आज फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एविएशन इंस्टीट्यूट पे। तो पहले हम एविएशन की तरफ से आप सबको हैप्पी चिल्ड्रन डे बोलते हैं, और जिस तरह से हम अपने करंट अफेयर सेशंस को लाते हैं, तो आज फिर से हम आपके संग करंट अफेयर सेशंस को लेके आए हैं जो कि बेस्ड है 14 और 15 नवम्बर पे। तो हम अपना करंट अफेयर सेशंस को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, जो कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। Which country has declared a health emergency due to spread malaria and dengue epidemic fever? आपको पता होगा कि अभी malaria and dengue काफ़ी चल रहा है, तो कौन सी ऐसी country है जहाँ पे बहुत emergency cases आए हुए हैं dengue और malaria को लेके? तो आप options देख पा रहे हो, तो आपका correct option है Yemen। Yemen में बहुत ही critical situation चल रहा है dengue and malaria को लेकर। और इस पर आपसे क्या क्या questions आ सकते हैं, जैसे अभी upcoming examination आपका WBCS है, बहुत सारे exam है, तो उसमें एक और question आ सकता है कि dengue आपका बैक्टीरिया है या वायरस है। तो याद रखिएगा, डेंगू जो है वो वायरस है, और 4 टाइप्स के डेंगू होते हैं। आप देख पा रहे होंगे डेंगू V1, डेंगू V2 एंड डेंगू V3 एंड डेंगू V4। तो 4 टाइप्स के डेंगू होते हैं, और डेंगू जो होता है आपका वायरस होता है, बैक्टीरिया नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर कुछ क्वेश्चन आएगा ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो वो ये हो सकता है कि येमेन का कैपिटल क्या है, जो कि साना। वेनेजुएला का कैपिटल क्या है, काराकस। जाम्बिया का कैपिटल क्या है, लुसाका। और याद रखिए, ये 3 का कैपिटल तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो कैपिटल है सीरिया का, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना है। तो चलिए हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हु हैज़ बिकम द इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट। मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड में कौन से ऐसे इंडियन है जिनको इलेक्ट किया गया है? तो ऑप्शंस आप देख रहे होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है नीता अंबानी। याद रखिएगा, नीता अंबानी सबसे फर्स्ट ऐसे इंडियन हैं जिनको इलेक्ट किया गया है मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड मेंबर में। ठीक है, तो ये ज्यादा आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि फर्स्ट इंडियन है, और सबसे ज्यादा याद रखिए फर्स्ट फीमेल है, तो इस पर भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कहीं ना कहीं आपके पॉलिटी से रिलेटेड है। इन टोटल हाउ मेनी टाइम्स हैज प्रेसिडेंट रूल बीन इम्पोज्ड इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र जो हमारा राज्य है, उसमें प्रेसिडेंट रूल कितनी बार लगा है? तो इसका करेक्ट आंसर है 3 टाइम्स प्रेसिडेंट रूल लगा है। और ये कब कब लगा है, इसे भी आपके इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पे मेन इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो इमरजेंसी लगती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट आपका नेशनल इमरजेंसी होता है, देन आपका प्रेसिडेंट रूल होता है। प्रेसिडेंट रूल को आप स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हो, और गवर्नर रूल भी बोला जाता है। एंड द थर्ड वन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये सारे इमरजेंसी होते हैं जो हमारे भारत में लगाए जाते हैं। नेशनल इमरजेंसी भारत में 3 बार लग चुकी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगा है, और स्टेट इमरजेंसी तो 100 टाइम से भी ज्यादा लग चुकी है। तो यहाँ पे आपको आंसर देना है कि कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है नेशनल इमरजेंसी से, स्टेट इमरजेंसी से एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी से। तो आपको आर्टिकल हमें बताना है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। विच कंट्री वॉज अटैक्ड विथ ओवर 200 रॉकेट्स ऑन 12 नवंबर 2019? ये जरूर क्वेश्चन 12 नवंबर का है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको अटैक किया गया है 200 रॉकेट से। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, आपका ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा इसराइल। इसराइल पे अटैक हुआ है, जो कि गाजा स्ट्रिप के कुछ मिलिटेंट थे, उन्होंने अटैक किया है इसराइल पे। तो अगर आप मैप में देखोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि गाजा स्ट्रिप का है। और गाजा के बारे में ध्यान रखिए, गाजा तो है वो कहीं ना कहीं पैलेस्टाइन का एक टेरिटरी है, एक पार्ट है। ठीक है, इसके बहुत ही फिलहाल बहुत ज्यादा इश्यू हो रहे हैं इजराइल और पैलेस्टाइन को लेकर। तो यहां पे आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इजराइल का कैपिटल क्या है, जो है कि जेरुसलम। ईरान का कैपिटल क्या है, तेहरान। अब बताना है आपको मुझे कि टर्की और इजिप्ट का कैपिटल क्या है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। विच स्टेट असेंबली हैज पास्ड रिजोल्यूशन डिमांडिंग लिफ्टिंग ऑफ ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस ऑन NH-766? NH-766 पे जो भी हमारा ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस को लेके प्रॉब्लम है, किस स्टेट असेंबली ने अभी बोला है? तो आपका ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपका करेक्ट ऑप्शंस यहाँ पे होगा केरल। यहाँ पे केरल जो है वो करेक्ट ऑप्शंस है। तो केरल का कैपिटल भी आपको पता होना चाहिए। तो केरल का कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट ये भी याद रखिएगा कि केरल का गवर्नर और चीफ मिनिस्टर क्या है, जो कि मैंने आप नहीं दिया है, वो आपको बताना है मुझे कि अभी रिसेंट केरल के गवर्नर कौन है और चीफ मिनिस्टर्स कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज ग्रांटेड असाइलम टू फॉर्मर बॉलीवियन प्रेसिडेंट इवो मोरेल्स? जो हमारे बॉलीवियन के प्रेसिडेंट है इवो मोरेल्स, उनको किस कंट्री ने असाइलम दिया है? असाइलम का पहले फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, संग बसंग ये जान लीजिए इसका मीनिंग क्या है। असाइलम का मीनिंग ये होता है कि किसी भी इंसान को अगर कोई दूसरी कंट्री सपोर्ट करती है, जैसे मान लीजिए भारत में कोई आता है सपोर्ट के लिए या रिफ्यूजिया के लिए, तो उनको जो हम हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उस टाइम पे हम उनको यहाँ पे रहने देते हैं, उसी को बोलते हैं असाइलम। तो बॉलीवियन के जो प्रेसिडेंट, उनको किस कंट्री ने असाइलम
दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर है मैक्सिको, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए चलिए इस पर और भी क्या क्या क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कैपिटल बताना है कि कोलंबिया का कैपिटल क्या होता है, जो कि है बोगोटा। वेनेजुएला का कैपिटल क्या है, काराकास। चिली का कैपिटल क्या है, सेंटीगो। एंड मैक्सिको का कैपिटल मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे कि मैक्सिको का कैपिटल क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ओवर 1000 माइग्रेटरी बर्ड्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज वेयर फाउंड डेड इन विच लेक ऑफ राजस्थान। कौन सा ऐसा लेक है राजस्थान का जहाँ पे 1000 माइग्रेटरी बर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग स्पीसीज के डेड फाइंड गए, जिनको मतलब मरा हुआ पाया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सांभर लेक। ये सांभर लेक जो है आपके राजस्थान में, ये भी आपको एक पता चल गया है, और कहाँ पे, नियर जयपुर के पास में है। नेक्स्ट आपको कुछ लेक का मैं बता दी, जैसे नाकी लेक राजस्थान में है, पिचोला लेक राजस्थान में है, लेकिन फतेह सागर लेक कहाँ पे, ये आपको मुझे बताना होगा। अब आपको ये जानना जरूरी है कि ये इतने सारे बर्ड्स का डेथ क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि ये डेथ हो रहे हैं। तो देखिए इसका सबसे बहुत ही कारण जो बताया गया है हमें, वो है कि प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट, या तो बर्ड फ्लू के कारण हो रहा है, या तो जितने भी हम कूड़े कचरे पानी में जो आप फेंकते हो, जिससे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, और उस पानी को जो ये बर्ड पीते हैं जितने भी हमारे, तो उसके कारण क्या होते हैं, इनकी डेथ हो रही है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड ना करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, Who among the following ministers has been recently given the additional charge of heavy industries and public enterprise? कौन से ऐसे ministers हैं जिनको अभी additional charges दिया गया है heavy industry and public enterprise का? तो इसका correct answer है प्रकाश जावेदकर। उसके साथ साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि हरसिमरत कौर बादल, ये कौन से minister है आपके, ये आपके minister of food processing in the government of India में है, और संग संग ये member of parliament भी है, from भटिंडा थे। एक और question आपका, धर्मेंद्र प्रधान, ये किस चीज के मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जितने भी आपके मिनिस्टर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए कि कौन किसका मिनिस्टर्स है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन स्टैटिक हैं और ये आने के बहुत चांसेस होते हैं, और इस पे अगर आप अपना मार्क्स गवाते हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सिली मिस्टेक आपको करना अलाउ नहीं है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो है Who won the gold medal in the javelin throw competitions at the World Para Athletic Championship? जो ये World Para Athletic Championship हो रहा है, उसमें javelin throw competitions gold medal किसने जीता है? तो उसका करेक्ट आंसर है सुंदर सिंह गुर्जर। सुंदर सिंह गुर्जर जो है उन्होंने जीता है, और याद रखिएगा ये जो World Para Athletic Championship है ये कहाँ पे हुआ था, दुबई में हुआ था, जो कि UAE में। लास्ट बट नॉट लिस्ट हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचते हैं, जो कि हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। ब्राजील इज होस्टिंग द 2019 ब्रिक्स समिट अंडर विच थीम? ब्राजील ने 2019 पे जो अभी समिट हुआ है वो किस थीम पे बिलोंग किया है? तो इसका थीम है इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर, याद रखिएगा। और अब ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ब्रिक्स जो है वो 5 कंट्री को मिलकर बनाया गया है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। एक्चुअली पहले ये ब्रिक था, BRIC, लेकिन बाद में एस जुड़ा है, इसका मतलब साउथ अफ्रीका 2010 में इंक्लूड किया गया था, उसके पहले साउथ अफ्रीका नहीं था। अब ये ब्रिक्स बैंक बनाया क्यों गया है? ब्रिक्स इसलिए बनाया गया क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड बैंक एंड IMF, वर्ल्ड बैंक और IMF है उसका ज्यादातर डोमिनेटेड होता है वो US से या तो वेस्टर्न कंट्री से। ब्रिक्स को इसलिए बनाया गया है ताकि जितने भी ये कंट्री हैं इनको अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो या ये अपने ट्रेडिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो ये ब्रिक्स के हेल्प से बढ़ा सकते हैं और डेवलप हो सकते हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है वो यहीं पे एंड होता है। 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन मैंने आपके संग डिस्कस किया है, और आज के सेशन में मैंने बहुत कम ही सवाल पूछा है आपसे, तो इसका मतलब चिल्ड्रन डे का ये डिस्काउंट समझ लो। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन पूछा है आई होप कि आप उसका आंसर दोगे। और अगर आपको हमारा सेशन, हमारा यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।